नॉर्थ ये नाम फरहान भाई। अभी चल रहे थे, चलते चलते फरहान भाई ने कुछ गुनगुनाया लोहा। मैंने कहा फरहान भाई ज़रा फिर लाइव सुना दें आपकी। मेरे ख्याल आने वाला शायद लोहा है ना उसका मसला। नहीं ये तो मैं थोड़ा सा। अच्छा अच्छा बताया जी बिस्मिल्लाह जी। क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं जी जो अज़ादार होते हैं वो तो सफ़र में हो या हज़र में हो, वो दुबई में हो या लंदन में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, तो हमारा काम तो अज़ादारी करना है और मौला का जिक्र करना है। तो अब आप दुबई एयरपोर्ट पर हमें मिल गए हैं ट्रांज़िट में, आप तो बेस्ट जा रहे हैं और मैं मौला की बारगाह में जा रहा हूँ। तो चले चलते चलते भी हम चले थोड़ा सा क्या कहते हैं जिक्र मौला का, बिस्मिल्लाह जी को सुना ही। चले आए चलते हैं और खुशनसीबी है कि सफ़र में मौलाना ज़हीरुद्दीन नकवी साहब हमें मिल गए और सफ़र हमारा बहुत रूहानी रहा, उनके साथ गुफ्तगू हुई और काफ़ी देर वो एयरपोर्ट पे जब रश होता है तो ज़रा फ्लाइट्स आती हैं अच्छी फ्लाइट्स होती हैं, रश होता है तो इंसान परेशान होता है, लेकिन इस रश ने हमें खुश इसलिए कर दिया कि जितनी देर हम उस रश में खड़े रहे उतनी देर मौलाना साहब से इस्तफादा हासिल करते रहे। और अब चूँकि हमारा वक्त हो गया है यहाँ से अलग अलग जाने का, टेम्प्रेरी विदाई का, क्योंकि मौलाना साहब अभी दुबई रुकेंगे और हम जो है वहाँ से लंदन जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मजलिस में, किसी न किसी मिलाद में और स्पेशली तौर पर ज़ियारात जब जाएंगे तो इंशाल्लाह मौलाना साहब से तो आप सबकी मुलाकात रहेगी। जिस तरह हम खुश नसीब हुए आज आप इंशाल्लाह मुस्तकबिल में, ये बड़ी सआदत है कि हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर पर मुसलसल खिदमत सर अंजाम देना और करबला टीवी पर सलाम हुसैन देना, उसे कई साल से ये प्रोग्राम करना कि जिसमें ये वसीला बनना कि आपका सलाम डायरेक्ट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक बजरिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहुंच जाता है। वैसे तो दिलों में इमाम हुसैन है लेकिन क्योंकि आप बज़ाहरी तौर पर जब देख रहे होते हैं तो मौलाना साहब का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैं समझता हूँ ज़िंदगी भर हम उनका शुक्रिया अदा करें और अल्लाह का मोहम्मद वाल मोहम्मद का कि उन्होंने ऐसा वसीला बनाया और हमें मौलाना साहब जैसी शख्सियत अच्छा भी मौला खैर में बात करें और मौलाना साहब की बात जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे खुशी है जी कि हमने चलते चलते जो है ना वो इबादत की सुबह सुबह इस वक्त यहाँ पर जो है ना वो 6:15 हो रहे हैं और फरहान भाई जो है वो नॉर्थहैम्पटन के लिए निकल रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं इंग्लैंड जा रहे हैं मजलिस पढ़ने के लिए और मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में हाज़िरी देने के लिए हमारे साथ उमर और जो है ना वो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा
पैगाम हक को फैलाने की तौफीक नसीब फरमाए। और बाकी मजलिस पढ़ने जा रहे हैं आप, अगरचे आपको पता है बहुत सारे मामला कंट्रोवर्शियल्स भी होते हैं, तो अल्लाह ताला जहाँ भी हो जहाँ भी बिल्कुल बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि हम हाजिरी दें। और इंशाल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जहाँ भी मामलात आबाद हैं, बल्कि जहाँ जहाँ जितनी मुसलमान आबाद हैं, मैं सबको मुसलमानों को बहदत की तफरीक अदा करना और मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलने की तफरीक अदा करना और दुनिया की राह पर गामजन हैं उन्हीं की राह पर साबित करना। आपसे अरबईन में मुलाकात हो रही नहीं हो रही करबला में? अरबईन को इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश होगी, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि मौला बुलाएंगे तो जाएंगे। यकीनन मौला इंसान का इरादा भी देखते हैं कि खुद कितना इरादा रखता है, तो यकीनन हमारी भी कोशिश होगी। कोशिश क्या, हर इंसान चाहता है कि वो करबला पहुँचे। अब या तो कोई मौला की तरफ से कोई ऐसा सबब होता है कि इंसान वहाँ नहीं जा पाता, इसका मतलब है कि मौला चाहते हैं कि इंसान जहाँ है वहाँ उस वक्त रहे, और फिर मौला के काम मौला ही जानते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि अरबईन पे करबला आए, और अगर नहीं आ पाए तो उसके भी मौला का शुक्रिया है कि मौला हमारे लिए जो बेहतर है। आप अगर नहीं आएंगे तो हम आपकी तरफ से नायब हुज़ूर जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, हमारी ये कि हम आने वाली बात ना करें, मौला हमें बुलाए और हम भी जाएँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।